अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। दोस्त देखो मेरी पेंटिंग पूरी हो गई। जब मेरा गुड्डा बेबी बाहर आएगा ना तो हम घर घर खेलेंगे। तुम पापा बनना, मैं मम्मी बनूंगी, बहुत मजा आएगा। अब मैं ये ड्राइंग दीदी को दिखा के आती हूँ। बेटा डॉक्टर साहिल का फोन आया था, वो कह रहे थे कि जो भी हमें फैसला लेना है ना वो बहुत जल्दी लेना होगा क्योंकि डॉक्टर जेम्स को वापस जाना है, दीदी की सर्जरी करनी है बेटा, और वो उसके पेट में पड़े बच्चे के साथ नहीं हो सकती। दीदी की कोख को माँ कैसे विश्वास करूं पायल पे, उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। बेटा लखन ने एक बात कही थी वो मुझे ठीक लगी, अगर हम पायल को अपने ही घर में रखें अपनी नजरों के सामने तो उस पर निगरानी भी रहेगी और हमारा बच्चा सुरक्षित भी रहेगा। वैसे बेटा फैसला तुम्हें ही लेना है, तुम्हें जो भी अच्छा लगे तो वही करना, पर मुझे लगता है बेटा कि पायल बदलना चाहती है, उसे शायद पछतावा हुआ है, तभी तो उसने अपनी कोख निकलवा कर इतना बड़ा बलिदान दिया है। बेटा एक बहन ही अपनी बहन के लिए इतना बड़ा त्याग कर सकती है। वेद बेटा वेद मुझे लगता है कि हमें विधि की सर्जरी के लिए डॉक्टर जेम्स को आंखें देना चाहिए। वेद कहाँ मतलब वेद के साथ? वेद के साथ कटे जा रहे हो? विधि और पायल का ऑपरेशन है ना, वेद को भी सहारा मिल जाएगा। छोड़ो जी, दूसरे का चोगा सिलने के पहले खुद का टाका तो लगा लो। आप भी कमाल करते हो, थारी खुद की घराली पेट से और थारे को दूसरे की फिक्र है। खुद सीखो वेद देवर सा से कितनी फिक्र करे अपनी पत्नी की, और एक देव जो हमारी फिकरी करते खोनी। ऐसे क्यों बात कर रही हो, इतनी बड़ी खुशखबरी दी है तुमने मुझे, पूरी जिंदगी भर ना गुलाम बन के चाकरी करूंगा तुम्हारी। बस 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 सुंदर सा थे ना, मारे को ऐसे ही रानियों के जैसे रखना। अच्छा रसोई घर से मारे लिए डिराय फ्रूट ला दो ना। अरे अभी लाता हूँ। एक बार ऑपरेशन होने के बाद जब विधि ठीक हो जाए फिर उससे भी अपनी सेवा करवाऊंगी। मौज ही मौज होगी मारी, मौज ही मौज। मुझे ये फैसला ठीक नहीं लग रहा वेद जी। बात सही गलत की नहीं रही, मुझे यही एक रास्ता दिख रहा है और मैं यही रास्ता चुन रहा हूँ। दीदो ऐसे नहीं, रुको ऐसे रखो, हाँ ऐसे ऐसे रखो अपना हाथ। हाँ अब ये लो, अब इसको ऐसे, वेरी गुड। एक बार और करो, अब वक्त आ गया है आपको और आपके पति को एक गहरी चोट देने का, और इस दर्द से
आप दोनों उम्र भर नहीं निकल पाओगे। मारे को कुछ भी ठीक नहीं लग रहा भगवान जी, मैं उस पायल पर यकीन नहीं कर सकती। रास्ता दिखाओ भगवान जी, मदद करो। थैंक यू पायल। प्लीज वेद जी, थैंक यू मत कहिए। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ अपनी दीदों के लिए कर रही हूँ। विधि बेटा, एक बार उठ जाओ। विधि आ जाओ। जय जय। अभी नहीं। भगवान सदा तुम्हारे साथ रहे बेटा, खुश रहो। तुम्हारा ये एहसान हम कभी नहीं भुला पाएंगे। आंटी जी प्लीज, ऐसा मत कहिए। प्रसाद लो बेटा। चले वेद जी, डॉक्टर वेट कर रहे होंगे। हाँ चलते। विधि चलो। कहाँ जा रहे हैं दोस्त? वो तुम्हारे पेट में दर्द था ना? हाँ, बस उसी के इलाज के लिए। अरे चोरी, थारे पेट में दर्द हो रहा था थारी बच्चे की वजह से ना, तो थारे पेट में जो बच्चा है ना उसे निकाल के पायल के पेट में डालने जा रहे हैं इन लोग। हाँ भाभी। विधि, विधि गुड्डा बेबी किसी को नहीं दे रहे, ये बाद में हमें ही मिलेगा। हाँ विधि, बेटा वो जो गुड्डा बेबी है ना वो तुम्हारी गोदी में होगा। हम तो उसे पायल के पेट में रख रहे हैं कुछ दिन के लिए, क्योंकि वो सुरक्षित रहेगा, है ना? हाँ विधि। किसी को नहीं दूंगी, किसी को नहीं दूंगी। अब इन्हें कोई पट्टी पढ़ानी पड़ेगी, वरना इतना पास आकर भी मंजिल नहीं मिलेगी। फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।